तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो रूप मंत्रा में से कौन रूप मंत्रा और स्किन सैंड क्रीम में से कौन सी क्रीम अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, ये जो दोनों क्रीमें हैं आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, खासकर ये जो स्किन सैंड क्रीम है ये आप लोगों ने यूज की होगी या फिर यूज कर रहे होगे या फिर उन लोगों को आप जरूर जानते होगे जो ये क्रीम यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो क्रीम ये यूज करते हैं उन लोगों तक आप परिचित जरूर होंगे, तो ये वीडियो उन तक की जरूर पहुंचाइएगा ताकि आज मैं इस क्रीम में बताऊंगा कि इस वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों क्रीमों के क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या यूज है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की जानकारी पूर्णवत वीडियो सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल सकेंगे। तो दोस्तों रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम, इस क्रीम का काम आपको इंस्टेंट फेयरनेस देना है और ये क्रीम आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती है। इस क्रीम का जब आपको गोरापन है वो तभी तक की रहता है जब तक कि ये क्रीम आपके फेस पे लगी रहती है। इस क्रीम को आप एज अ फाउंडेशन की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको बाकी जैसे क्रीमें होती फेयर लवली वगैरह होती वो भी इंस्टेंट फेयरनेस देती है, लेकिन जब आप अपना चेहरा धुल देते हो तो आपका जो गोरापन है वो चला जाता है। तो इस प्रकार का गोरापन कुछ देती हैं ये क्रीमें और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। और वहीं बात करेंगे स्किन शाइन क्रीम, तो दोस्तों इसको लोग रात को यूज करते हैं और इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। ये आपको गोरा भी बनाती है लेकिन कुछ दिनों के लिए बनाती है, अधिक दिनों तक की अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये क्रीम आपको गोरा भी बनाना बंद कर देगी और साइड इफेक्ट भी देना शुरू कर देगी। यदि आपने इस क्रीम को एक महीने यूज किया उसको बंद करते हैं तो भी आपको साइड इफेक्ट होंगे, आपका चेहरा पहले से ज़्यादा काला हो जाएगा। और इस क्रीम के साइड इफेक्ट हैं आपका चेहरे पर लालपन होना, आपके चेहरों पर बालों का उगना और ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ना, चेहरे में जलन होना या फिर चेहरे की खाल उधड़ना, ये सब साइड इफेक्ट इन क्रीमों के होते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन सबको साइड इफेक्ट दूर करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं पूरी जानकारी दूं और साइड इफेक्टों को परमानेंट खत्म कर दूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लस बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आप लोगों की कमेंट हुई तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और 100% सटीक तरीका आपको बताऊंगा साइड इफेक्ट खत्म करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक ही जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग ये क्रीम यूज करते हैं।